हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज शुभ रंग जो है ग्रीन है और ये सारा अपडेट मुझे रील से ही मिलता है, तो आज मैंने भी ग्रीन रंग का पहन लिया। ये बहुत ही मेरी मतलब बहुत पुराना कुर्ती नहीं बोल सकते, मेरी शादी के टाइम का कुर्ती है, मेरी माँ ने लिया था और ये बहुत कॉस्टली भी था, बट जबकि मैंने पहना नहीं इस कुर्ती को, बहुत कम मतलब एक दो बार पहना है, तो बस ऐसे ही मेरे सारे कपड़े रखे रहते हैं बहुत बहुत टाइम के। इसको मैंने पहना था एक बार, शायद लास्ट टाइम पहना था दीपू बाबू का बर्थडे था तो उस दिन मेला घूमने गए थे तब पहना था, आई थिंक 2023 में, हाँ 2023 में इसको पहनी थी और आज फिर 2024 में पहन रही हूँ, वो भी आज दूसरा दिन है ग्रीन रंग का। मुझे सूट ध्यान में नहीं आया कोई भी इसके अलावा, एक और था बट वो डार्क ग्रीन था, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको ही चढ़ा लिया। अभी फिर तुरंत ही नहा के मैं आई हूँ और भी मतलब क्रीम पाउडर भी लगाना बाकी है और साथ ही साथ तैयार होकर जल्दी से पूजा करते हैं। नेल पेंट तो कल का भी लगा हुआ, बहुत ही प्यारा दिख रहा है अभी तक, और आलता लगाई थी तो वो थोड़ा थोड़ा छूट गया, तो अभी फिर से महावर अपने पैर में लगा लेंगे हम। नवरात्रि में कम से कम थोड़ा बहुत श्रृंगार करना चाहिए, चूड़ियाँ भी थोड़ा ज़्यादा पहन लेंगे, एक ही चूड़ी डाल रखा है मैंने, तो आप लोगों के साथ साथ तैयार होते, ज़्यादा मेकअप करना नहीं है मुझे, थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाती हूँ फटाफट, मैंने निकाल लिया है तो हल्का सा फटाक से लगा लेते हैं। इसमें दुपट्टा लेने के लिए सोच रहे हैं कि क्या दुपट्टा लिया जाए इसमें, पता मेरे सारे, मैं थोड़ी सी आई थिंक मोटी हो गई हूँ तो सारे ड्रेसेस टाइट हो रहे हैं। तो मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है ऑलमोस्ट, वीडियो को ही मैं कैमरे की तरह यूज कर, मतलब हम मिरर की तरह यूज कर रहे हैं। दुपट्टा भी मैंने ढूंढ लिया ग्रीन कलर का ही, ये दुपट्टा नेट वाला ही है और अच्छा ही है, इस पर अच्छा भी लगेगा तो मैंने यही ले लिया है और इसको ही लेके पूजा करेंगे, तो चलो अच्छा हो गया। और अब थोड़ा सा हल्का फुल्का लिपस्टिक सिंदूर उंदूर जल्दी से लगाते हैं। बाल भी बना लेते हैं अभी, यहाँ ठंड, मतलब हर जगह ठंड आने शुरू हो गए हैं लेकिन यहाँ कोटा में अभी भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे इतनी गर्मी है ना कि मुझे, हम लोगों ने कूलर हटा दिया है तो अभी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है हमें, खास करके मतलब बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो ऐसा मन करता बस छत में ही चली जाऊँ, छत में ही सो जाऊँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता और हम रूम में आके सोते हैं, बहुत गर्मी लगता है। फिर से सोच रहे कूलर फिर से एडजस्ट कर ले, फिर डर भी लग रहा है कि दो चार दिन में कहीं ठंड फिर से ना आ जाए। तो फटाफट सिंदूर लगाते हैं। नीचे गाना बज रहा है और मेरे बाल भी खुले हुए तो मेरा मन मतलब ओबेस्ट होते हैं ना, सेल्फ लव, मतलब खुशी हो रहा है, हैप्पीनेस, ऐसा लग रहा है डांस कर। और जब खुले बाल होते हैं लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत लगती है खुले बाल में, मुझे तो लगती है, पता नहीं सारी लड़कियों का, पर मुझे लगता है कि खुले बाल में लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ओहो क्या है ये दुपट्टा, ये लगा ली मैं सिंदूर। और तो कैसे एक चुटकी
सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर लगाने के बाद लड़कियों को कितने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। सेम सबके साथ होता है, मेरे साथ। अब मैं सोच रही अपने बाल को कैसे रखूं। सही है ना, खुले बाल में लड़कियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। कमेंट करके जरूर बताना खुले बाल में मैं ज्यादा अच्छी लग रही थी या अभी मैं फोल्ड कर लूंगी। रूम में खुले बाल रहना पॉसिबल नहीं होता। चिपकू हो गई मैं पूरी। बाल सेट कर लेते हैं फिलहाल। हो गया मेरा सारा सिंगार। और हाँ, मैंने जो राखियों से बनाई थी ना इयररिंग्स, ये रहा। मैं पहनने वाली नहीं हूँ अभी, जस्ट ऐसा ही दिखा रही मैं कि ये मैंने बनाया था राखी से। पहले मैंने थोड़ा लंबा बनाया था बट वो ना बहुत ज़्यादा टच हो रहे थे, ये भी हो रहा है, तो हम सोच रहे एक और निकाल देंगे ऊपर का वो कड़ी और ये छोटा करके अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है ना, राधे कृष्ण जी मेरे कानों में लटक रहे। चलो जल्दी से जल्दी पूजा करते हैं, उससे पहले महावर लगा लेते हैं। और मैं कैसी लग रही, सिंपल लग रही, मुझे पता है मैंने कुछ भी किया नहीं, पर हाँ अच्छा लग रहा है, गुड वाइब्स। सुबह सुबह नहा के अच्छे से पूजा प्रार्थना करने से लोगों के मन में शुद्धि, और मन में ही नहीं पूरी बॉडी में एकदम शुद्धि गुजरती है, जो भी मैं उतना प्रॉपर नहीं बोल पा रही। चलो कोई नहीं, कान वाला खोल लेते, मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है। हाँ, मेरा आलता लगाने का औजार, जो कि मेरी सासू माँ प्रॉपर मेरे लिए ही, मतलब कि ये परफेक्ट कलर है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना आलता मिलावटी मिल जाता है, पानी जैसा आलता होता है, तो उससे अच्छा कलर नहीं आता। तो ये आलता एकदम प्योर आलता है, जो कि मेरी सासू माँ अक्सर दे देती है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे दे देती है। ये क्या लग गया, ले एक को बजाने के चक्कर में गिर गया। और ये ब्रश है मेरे मेकअप किट का, जिसको अब मैंने आलता लगाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह बकबक करते करते मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं देखी हूँ, इसलिए मैं अब एकदम छोटा वीडियो बनाना चाह रही हूँ, जाके जो आप लोग पसंद करो और आप लोग देखो पूरी वीडियो को, लाइक से सब्सक्राइब भी करो। नीचे बैठने का जगह तो है बहुत, लेकिन बाहर में अच्छा नहीं लगता। अभी लग गया पैरों में, ऐसा लग रहा है जैसे काला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, पैर धोने के बाद अच्छा दिखने लगेगा। जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं भगवान जी का। पूजा की थोड़ी वीडियो डालेंगे, क्योंकि पूरा की पूजा की सारी वीडियो डालती बहुत लंबी हो जाती है। लंबा वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं जब ब्लॉग करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है। ये रहे मेरे भगवान जी। अभी जल्दी से साफ़ सफाई करते हैं, फिर से फ्लावर चढ़ाते हैं नए नए, और सब कुछ नया नया करते हैं।
आज वैसे मतलब दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो आज के भोग में लगता है या तो चीनी का शरबत आप चढ़ा सकते हो, चीनी चढ़ा सकते हो, गुड़ चढ़ा सकते हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना अमृत दूध का, जिसमें गुड़ भी होगा, चीनी भी होगा, और जो भी है मेरे पास गंगा जल और हनी सब कुछ डाल के बनाएंगे। चना अमृत, तुलसी पत्ता भी थोड़ी सी मतलब ले आती हूँ, और बस पूजा करते हैं फटाफट। मैंने पूजा की सारी सामग्री जमा कर ली है, चना अमृत जो बनाना है उसकी भी सारी सामग्री मैंने तैयार कर ली है, और फूल वगैरह भी। तो भगवान जी का जल्दी जल्दी पूजा शुरू करते हैं। नीचे साउंड बज रहा है, पता नहीं वो भी इसमें आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो एडिटिंग करेंगे तब समझ में आएगा। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले जल छिड़कती हूँ सारे भगवान पर, उनके शुद्धिकरण करती हूँ, उसके बाद फूल चढ़ाना शुरू करती हूँ। फूल जो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे उसी फूल का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब वो चढ़ाया हुआ फूल नहीं, नया फूल था, बस उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। गेंदा फूल वैसे बहुत दिनों तक चल जाता है, इसकी वजह से मैंने गेंदा फूल जानबूझ कर रखा था, और गुलाब फूल भी, यहाँ गुलाब फूल और गेंदा फूल ही ज़्यादा मिलता है। फिर मैं चना अमृत बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं दूध लेती हूँ, फिर गुड़ डालती हूँ, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट में किशमिश था मेरे पास, मैंने किशमिश डाल दिया, चीनी डाली। फिर उसके बाद मेरे पास तुलसी पत्ता डालना था, तो मैं उसको तोड़ कर डालती हूँ, तुलसी पत्ता को छोटे छोटे टुकड़े करके, और हनी इसका इस्तेमाल करके मैं चनामृत लगाती हूँ। फिर चनामृत का भोगो लगा कर माँ को, उसमें थोड़ा सा जल भी डालती हूँ, क्योंकि गंगा जल तो मेरे पास वैसा कुछ खास गंगा जल नहीं है, तो मैंने जल का ही इस्तेमाल किया गंगा जल के थ्रू। फिर आरती की, पूजा का, हो चुका है मेरा पूजा ख़त्म। भगवान जी एकदम मस्त, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप भक्ति भाव से अच्छे मन से पूजा करो, तो और तो ये हाल हो जाता है, पसीने बह गए हैं मेरे आरती करते करते। तो चलो पूजा समाप्त हुआ, आरती लेते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर कुछ और करते हैं।